वाला दिन आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ कि आज की रूटीन कैसे चलने वाली है मेरी। मैं अभी जा रही हूँ मदीना मार्केट, ठीक है। मैं बेसिकली जा रही हूँ कुछ फैब्रिक्स देखने के लिए, तो वहाँ जाके मैं आपको फैब्रिक्स के रेट बताऊंगी। और ये फैब्रिक्स कपड़ों वाले पहनने क्लॉथिंग वाली नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली कोई इंटीरियर की मैंने चीज़ें हैं, सोफे वगैरह उसके लिए फैब्रिक वगैरह सब चेक करना है, कर्टन वगैरह। बेसिकली मैं एक फ्रीलांसिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ घर की, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं आपको मार्केट लेकर चलती हूँ अपने साथ, तो आप मार्केट सर्वे देखे कंपैरिजन में आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी, ठीक है। तो बाय बाय। अच्छा, अब हम मदीना मार्केट पहुंच गए जैसे कि आपने देखा, और ये हम बेसमेंट में जा रहे हैं। बेसमेंट में सारे जितने भी हमारे सोफ़े होते हैं, उसके बाद बेड की जो टफ्टिंग वगैरह होती है उसके लिए, डाइनिंग टेबल की चेयर्स वगैरह होती है, उन सब का फैब्रिक वगैरह हमें यहाँ से ईजीली मिल जाता है। इवन दो कर्टन्स वगैरह का भी लूज़ फैब्रिक यहाँ से हमें मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, ये तकरीबन कोई जूट टाइप का फैब्रिक था, ठीक है। और ये आई गेस 650 तक का वो कह रहा था वेंडर, दुकानदार जो भी था, वो 650 इसका कह रहा था। इसमें काफ़ी कलर्स हैं, आप जैसे देख रहे हैं, ब्लू से लेके ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन। अच्छा, तो ये 7 डिजिटल प्रिंटेड सिल्क वाले हमारे पास वेलवेट अवेलेबल थी, काफ़ी डिज़ाइन थे इसमें। ये भी मैंने सैम्पल्स कुछ कलेक्ट किए थे क्लाइंट के लिए। ये वेलवेट के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, हर कलर अवेलेबल था वहाँ पे वेलवेट में ना। Oh my God! Wow! ये फर वाला फैब्रिक था और ये तकरीबन 1800 पर यार्ड वो कह रहा था। ये रग्स के लिए था, थ्रो के लिए था, और आपके जो भी आप। मैं अंदर आई हूँ, मैं आपको इसके भी सारे सैंपल्स दिखाती हूँ, आप देखें। काफ़ी बड़ी मार्केट है यार, काफ़ी प्रॉपर एक मार्केट ही सिर्फ इन चीज़ों की। आप सब देख सकते हैं सैंपल्स, मैं आपको सैंपल्स दिखाती हूँ अब इन सब चीज़ों के। अच्छा जी, अभी तो हम इस शॉप पे जा रहे हैं, नंबर वन फैब्रिक्स, इनका फैब्रिक्स बहुत अच्छे हैं, आपको मैं अंदर लेके चलती हूँ अब। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये देखें आप, सारा फैब्रिक है इसमें। मैं आपको बता रही थी कि ये सब फैब्रिक, मतलब लाइक मैंने पहले भी एक दो प्रोजेक्ट्स किए थे, तो मैंने इन्हीं से शॉप, मतलब लाइक जितनी भी चीज़ें थी ना इन्हीं से ली थी, इसी शॉप से ली थी, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेज हैं। आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करिएगा यहाँ पर। अच्छा, जितने भी वहाँ पे आगे फैब्रिक्स अवेलेबल थे शॉप में वो देख रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट शॉप पे गए, यहाँ पे भी आप देख लें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल था। सेल्फ एम्बॉस्ड वेलवेट अवेलेबल थी, टेक्सचर्ड वेलवेट अवेलेबल थी, और काफ़ी डिफरेंट वैरायटी थी। विस्कॉस अवेलेबल थी, एम्ब्रॉयडर्ड विस्कॉस अवेलेबल थी, काफ़ी कुछ अवेलेबल था। और इवन तो हर कलर में अवेलेबल थे, और प्रॉपर सेट भी थे इसके अंदर ना, हर चीज़ के साथ। अब पीछे ये जो इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई जो मैं देख रही हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये बहुत, मतलब इसमें काफ़ी कलर्स अवेलेबल थे। ये वो मेरे ख्याल से 1 मोटिव 1200 का वो कह रहे थे। उसके बाद ये देखें आगे, जूट में भी कोई काफ़ी प्रिंट्स अवेलेबल थे। मैं मैच कर रही थी, असल में मैं चाह रही थी कि सीट की बैक प्लेन हो जाए, मतलब सिटिंग एरिया उसका प्लेन हो जाए, और जो बैक है ना वो ऐसे प्रिंटेड हो जाए। अच्छा, ये सैम्पल मैं ले रही थी, अंकल दे नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा आप खुद ही काट लें। तो मुझे देखें, मुझे काटना ही नहीं आ रहा था, खैर मैंने जैसे तैसे करके काट लिया। ये ओवरऑल आपको मैं ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि मतलब लाइक बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे ना अवेलेबल। आप एक दफ़ा जाएंगे प्रॉपर देखें सेट्स, पीछे वो बैक वाली शॉप पे प्रॉपर पूरे पूरे सेट हैं आपके पास। कि अगर आप प्लेन लगा रहे हैं तो उसके लिहाज से आपको मोटिव भी मिल जाएगा, हर चीज़ आपके लिए अवे वहाँ पे इजी टू मैच है। अच्छा, ये लास्ट शॉप पे मैंने विज़िट किया था, IS कलेक्शन। अच्छा, इस शॉप से मैंने पहले कर्टन्स बनवाए थे, और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कपड़ा, बहुत अच्छा है। जो कर्टन वाली मोटी विस्कॉस होती है ना, वो तो यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। अब मैं शेयर मैच कर रही थी कि मतलब अगर मैंने कर्टन, इसमें एक कर्टन के लिए मैंने फैब्रिक देखा था, उसके साथ मैं शेयर मैच कर रही थी सेंटर पैनल डालने की कोई एम्ब्रॉयडर्ड, तो मैं वो सब अब देख रही हूँ। देखें इनके पास ना सेल्फ टेक्सचर्ड, थोड़ा सा इनग्रेव वाली थोड़ी सी कढ़ाई जो होती है अंदर की तरफ हुई होती है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, वो भी थी। तो अभी मैं कारपेट की शॉप पे आ गई थी, वहाँ पे सारे कारपेट्स थे, कुछ ग्रीन वॉल डिज़ाइन करनी थी उसके लिए। ये काफ़ी रीज़नेबल कारपेट थे, तो उसके लिए थोड़ा सा चाहिए थे, मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए था कारपेट का, रग्स चाहिए थे। ये फॉर्म सेलेक्ट करी है मैंने, और रेट के लिए बहस कर रही थी उन अंकल के साथ, वो मान ही नहीं रहा था, जो भी था लड़का टाइप अंकल, ठीक है, उस वो मान ही नहीं रहा था। लेकिन फिर मैं भी अपने प्राइस पर आ गई, वो भी आ गई, लेकिन खैर मान गया एंड पे। मैं उससे बात ऐसे करती जैसे मेरा बहुत पुराना दोस्त हो।
A few moments later. अभी हम मार्केट से निकल गए तो अब मैं आई हूँ ये सीपी फाइव स्टार कुनान शॉप है, ये देखिए यहाँ मैं आई हूँ कुनान लेने, बड़ी भूख लग रही थी, मैंने कहा चले कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ अच्छा सा खाते हैं, तो अब वो कुछ लेने आए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इनके पास क्या क्या है। अच्छा, अच्छा अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ, मैंने आके थोड़ी देर रेस्ट किया, तो मैंने कहा चले मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैं सैंपल्स क्या क्या लेके आई हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट करके लाई हूँ क्योंकि मुझे हर रूम को एक प्रॉपर थीम वाइज लेके चलना है, तो उसके लिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। अभी देखें मैंने कितने ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए हैं मैंने। अब ये वाले जितने भी कलर जो ये इस तरह के बेज गोल्ड में है ना, ये सारा मैंने जो है एक मतलब बहुत रिच सा उनका ड्राइंग रूम है उसके लिए, उस सोफ़े के लिए चाहिए था कुछ, काफ़ी इंग्रेविंग वाला सोफ़ा है उसके लिए ना, तो ये उसका थीम ये है, तो उसके लिए ये वाले सारे सैंपल। अच्छा जी, तो एक रूम है उसका ब्लू और ग्रे थीम बन सकता है या एमरल्ड ग्रीन और ग्रे थीम बन सकता है, तो उसके लिए ये देखे मैंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं जिसके साथ मैं वहाँ पे मैचिंग भी ढूंढ रही थी। वैसे मुझे ज़्यादा ज़ाती ख्याल है कि मुझे एमरल्ड ग्रीन और ग्रे के साथ जाना चाहिए। ये वो जो सबसे पहली शॉप पर मैंने आपको दिखाया था जूट वाला फैब्रिक, ये वो वाला है और ये 600 रुपीज़ पर यार्ड था। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब आप मुझे सजेस्ट करें, कमेंट्स में बताएं कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये दोनों भी ज़्यादा बेहतर हैं, ये दोनों ज़्यादा बेहतर हैं। मेरा जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, और जब मैं और इसके साथ मैंने एक प्रिंटेड फैब्रिक भी डालना है, लेकिन प्रिंटेड फैब्रिक मुझे कुछ इतना अच्छा आज मिला नहीं, पता नहीं क्यों। तो उसके लिए जब मैं प्रिंटेड फैब्रिक के लिए जाती हूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा, इसके साथ फिर मुझे ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है। ये कोई सिल्क जूट है, ये वो है, ये ना विस्कॉस है ना ये वेलवेट है ना ये कुछ और है, सिल्क जूट टाइप का फैब्रिक है, ये वो है। ये 850 रुपीज़ पर यार्ड था और ये 700 रुपीज़ पर यार्ड था। तो ये देखें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं प्लेन में जाना चाहती हूँ तो ये ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। लेकिन अब मसला ये है कि उस कमरे की मैंने जो लुक है वो मैंने इंडस्ट्रियल रखी हुई है रूफ़ की वजह से, रूफ़ ग्रे है। ओके गाइस, तो आज का दिन बस इतना ही था और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा थकावट वाला दिन था आज। ठीक है, तो अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तो आपने बस अब वीडियो देखने के बाद एक काम ज़रूर करना है, लाइक करना है वीडियो को, व्लॉग को, उसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है, उसके बाद शेयर करना है मैक्सिमम। प्लीज़ मेरी हालत पर नहीं जाना, मैं मार्केट इसी तरह जाती हूँ क्योंकि जब मार्केट जाना होता है मेरा दिल ही नहीं करता पहली बात तो मार्केट्स विजिट्स के लिए, लेकिन फिर क्या करें, काम भी तो करना है। लेकिन अभी खैर अभी मेरी हालत वैसे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन इससे भी बुरी हालत में मार्केट जाती हूँ। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और आज मेरा वैसे भी दिल नहीं था कुछ करने को, बस ऐसे ही बस मैं आज चली गई क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था, सारा कम्प्लीट करना बहुत ज़रूरी था। तो ये है कि अब आप प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और मैक्सिमम इसको मतलब शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे कमेंट्स भी करें, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि मैं और इनकरेज हूँ और कोशिश करूँ कि आपको मैक्सिमम अपनी डेली लाइफ शो करूँ, आपके साथ कुछ मतलब डिफरेंट कुछ प्रोडक्टिव आपके पास आए देखने के लिए वैसे। लेकिन ये है, हाँ वन मोर थिंग, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कहनी थी कि लास्ट वाले क्लिप्स में थोड़ी सी ना ट्रैफिक का शोर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। अच्छा, तो बाकी ये है कि अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन, हिट द बेल आइकन लाइक दिस टू। बाय बाय।